नीमराणा में मौजूद एवलॉन रिग्वी और स्काईवॉक प्रोजेक्ट की जांच में रियल्टी मीडिया की टीम ने पाया कि अपने ग्राहकों को पोजीशन देने के तय वक्त के लगभग पूरा हो जाने के बावजूद एवलॉन ग्रुप इस साइट पर काम शुरू भी नहीं कर पाया है। रिग्वी और स्काईवॉक को 2014 में लॉन्च किया गया था और 2017 तक लोगों को यहाँ पोजीशन मिल जाना चाहिए था, और देखने की बात यह है कि अभी तक इस साइट पर काम ठीक से शुरू तक नहीं हुआ है और 2017 अपने चरम पर है। अब क्या एवलॉन लोगों के पैसों के साथ इंसाफ कर पाएगा और उन्हें सही टाइम पर घर दे पाएगा? और हालात इस हद तक खराब हैं कि यह जमीन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्काईवॉक की है, जिस पर अभी तक एक गड्ढा भी नहीं खोदा गया है। वहीं दूसरी तरफ रिग्व्यू का काम बेहद धीमी गति से महज दिखावे के लिए चल रहा है। स्काईवॉक को कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था और अब हमारे खास सूत्रों की माने तो स्काईवॉक प्रोजेक्ट ठप हो गया है और इस जमीन पर पैसा लगा चुके लोग पूर्ण रूप से इस धोखे का शिकार हो चुके हैं। अगर सूत्रों की माने तो एवलॉन स्काईवॉक प्रोजेक्ट अब पूर्ण रूप से ठप हो गया है, पर एवलॉन ग्रुप अभी भी इस पर अपने ग्राहकों को बहला फुसला कर बुकिंग ले रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को कमर्शियल स्पेस और स्टूडियो अपार्टमेंट दिए जाने का वादा था, पर अब कोसों दूर तक ये वादा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है।